इस हिसाब से पढ़ना है कि मुझे एग्जाम से 10 दिन पहले वो 19 के 19 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। आज के वीडियो में फिर से खुश आमदीद। आज मैं आपको एक FMG स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली में आते हैं और 6 महीना एग्ज़ाम के पहले कैसे प्रिपरेशन करते हैं, रूम का रेंट कितना होता है, कोचिंग का फीस या टाइम कब से कब तक है, उसका रिलेटेड डिटेल में बताऊँगा। वीडियो का एंड तक ज़रूर दें। तो मैं फ़िलहाल मिस्ट कोचिंग के एक बिल्डिंग है जिसके बाहर हूँ। ये क्लास मंदिर के ऊपर लगता है और यहाँ पे ऐसा और 2-3 जगह है जहाँ पे क्लास लगता है। तो मैं फ़िलहाल कोचिंग के अंदर जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा क्लास के अंदर कैसे टीचर पढ़ाते हैं। जो सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि इस कोचिंग का मिस्ट इसका फीस कितना है, तो इस कोचिंग का फीस अभी है 76,000। और दूसरा बात ये है कि इसका जो टाइमिंग होता है नॉर्मली सुबह 8:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होता है। और जो यहाँ का जो रूम का फीस होता है, जो मंथली रूम का रेंट लगता है, उसके बारे में मैंने वीडियो का डिटेल में बताया। ये 4 महीने काफी हैं, जो बातें सर ने कही हैं वो आपके जहन में रहेंगी, यकीन मानिए। मुझे बहुत डाउट होता था, एंजाइटी होती थी कि याद ही नहीं हो रहा, बट आपको याद रहेगा, हो जाएगा सब। 4 महीने रेगुलर रहना है बस, दैट्स इट। थैंक यू। मैंने बस मिस्ट को फॉलो किया, मिस्ट का रूट्स और कहीं दूसरे जगह पे नहीं गया था, और सारे सब्जेक्टिव वाइज जो टेस्ट थे वो कभी टेस्ट में भी टेस्ट स्किप नहीं किया था। सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट क्लास के स्पीड में टेस्ट स्किप नहीं हुआ था, और ऑब्वियसली एग्जाम दिया था, कभी भी कॉपी नहीं लिया। और एक चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मतलब कभी कभी कॉपी करने का मन होता था, लेकिन कोई चीज़ नहीं आता था, खोल के देखी होता तो जब देखता था तो वो क्वेश्चन कभी याद नहीं होता था, और जब नहीं देखता तो वो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी याद रहता था कि मैंने वो कॉपी नहीं किया था, वो चीज़ वो वहाँ पर लिखा हुआ था। बस इस बात को याद रखना, आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि मैं सब याद कर लूंगा और पेपर में जाकर दे दूंगा और वही वही आएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, अभी से प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा कि आप एक भी वीकली टेस्ट पर स्किप करना, वेदर आपने वो चीज पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। आई एम श्योर कि नहीं पढ़ पाते हैं, क्लासेस चल रहे होते हैं, ट्यूजडे तक क्लास चल रही होती है, ट्यूजडे को टेस्ट है और ट्यूजडे को भी क्लास है, तो नहीं हो पाता रिवीजन। बट तो उससे क्वेश्चन आपको एक अटेम्प्ट करने का तरीका मिल जाएगा, ठीक है। और एक भी टेस्ट मत छोड़ना, वीकली सब्जेक्ट वाइज या ग्रैंड टेस्ट। और क्वेश्चंस जो उसमें आते हैं, वो ग्रैंड टेस्ट की मैं बात करूँ तो ग्रैंड टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे इस बार, वो डायरेक्ट उठ के भी पेपर में आए हैं और उनसे कॉन्सेप्ट बन के भी पेपर में आए हैं। तो 10 मार्क्स तो आपके सिर्फ ग्रैंड टेस्ट के रिवीजन में ही पड़ जाते हैं। आपके अगर 140 आ रहे हैं या 144 आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 154, खत्म हो गई बात। तो और एक बात और है कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, और मेक ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है।
अगर चार ऑप्शन में एक आंसर सही है तो तीन क्यों नहीं सही है, इस बात को भी एनालाइज करके ही आगे बढ़ना है। और टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि टेस्ट दिया और किताब बंद करके पढ़ गए, नहीं, टेस्ट दिया, रिजल्ट आया, उसको एनालाइज करना है। और सर मेरे सर हमेशा कहते हैं कि कैरियर 20th नोटबुक, मेरा 20th नोटबुक, उस नोटबुक को बनाएं और उसमें टेस्ट के आपके सिली मिस्टेक वाले, टफ वाले या कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन हैं उनको आप उसमें नोट करें, जो आप भूल जाते हैं बार बार, PSM भूल जाएंगे आप, स्टेजिंग भूल जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम्स भूल जाएंगे, उनको आप उसमें नोट, एनाटॉमी के लेवल्स भूल जाएंगे, आप उनको उसमें नोट करें। और आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने का, तो सर कहते हैं हमेशा कि कैरी योर वर्कबुक विद योरसेल्फ, आपको जब भी टाइम मिले, ब्रेक मिले, जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुनो या मत सुनो वो मुझे उससे वो मैटर नहीं करता है, बट अगर कोई अभी उस पुराने वर्कबुक को निकाल कर रिवाइज कर रहा है तो कॉम्पिटिशन टफ है, पेपर टफ आता है और पेपर कंसेप्चुअल आता है, आपको हर एक मिनट सोते उठते बैठते जगते सिर्फ एक ही चीज़ करनी होगी, पढ़ाई, बस 14 आवर्स कहीं नहीं गया, तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब मेन स्ट्रगल स्टार्ट होता है, अभी तो आप बहुत रूटीन में हो, सुबह 9 बजे आते हो, शाम में 7 बजे जाते हो, सर और सारे फैकल्टीज आप पे प्रेशर है कि क्लास आना है, करना है, एक बड़ी क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना, प्रेशर खत्म हो जाता है तो फिर सब फैलने लगता है इधर उधर इधर उधर, आप सो के उठते हो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 2 बजे, तो वैसे नहीं चलेगा। जिस रूटीन में आप अभी हो इस वक्त, इस रूटीन को एग्जाम के दिन तक, खैर एग्जाम से एक रात पहले तो नींद ही नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको वैसे ही फॉलो करना है, वरना बैकलॉग बनेगा सबका, ठीक है। दूसरा क्या है, इस हिसाब से पढ़ना है कि मुझे एग्जाम से 10 दिन पहले वो 19 के 19 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, क्योंकि वो एग्जाम के 10 दिन पहले बहुत मैटर करते हैं। अभी आप 20 घंटे पढ़ लो, मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटे भी पढ़ लो ना, कोई मैटर नहीं, लेकिन एग्जाम से पहले वाले जो 15 से 20 दिन जो गैप बचता है ना, वो मैटर करता है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये 2 सब्जेक्ट बहुत वॉलेटाइल है, 3 वॉलेटाइल है, मैं तो कहता हूँ पूरा मेडिकल ही वॉलेटाइल, पूरा MBBS ही वॉलेटाइल है। तो बैकलॉग के लिए ऐसे ही पढ़ो कि जो चीज छूट गया उसे पढ़ो, टाइम निकाल के, यही है, टाइम निकालना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। और मेन अपना बनाओ कि मुझे एग्जाम से जो 15 दिन 20 दिन वाला गैप होता है उसमें मुझे ऐसे पढ़ना है कि पूरे 19 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, और जो 5 दिन बचेंगे उसमें फिर एक बार मुझे देखना है, क्योंकि इमेज बन जाती है। यकीन मानो मैं PSM जैसा सब्जेक्ट मिस का 7 बार पढ़ के गया था, 7 बार, तब भी मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए एग्जाम रिकॉल से, क्योंकि PSM एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस बार आपने देखा होगा, आपने रिकॉल देखा होगा, तो बहुत सारे उसका रिवाइज कर सके और इतना पढ़ना है कि उसकी इमेज बना लो आपको। ये एक रूम है जो गौतम नगर में है, मिस्ट कोचिंग के आसपास में ही है, या कोई भी FMG स्टूडेंट जहाँ रहते हैं गौतम नगर में, सिंगल सीटर रूम में 2 लोग भी रह सकते हो, बट उसका अमाउंट 14,000 to 18,000 का ही होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल और पानी का बिल अलग होता है। यही सब था लाइफ ऑफ FMG स्टूडेंट इन दिल्ली गौतम नगर। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग जो MCI एग्ज़ाम के दिन होगा।